प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मेंशुरेशन 8 नंबर की, अलजेब्रा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्याओं की आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, आप आराम से घर बैठे बैठे अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और समझते रहें। देखिए क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान दें। जो आपके सामने बिंदु दे रखे हैं, या कह सकते हैं दो बिंदुओं के एच कॉमा के ज्ञात करो। तो एच कॉमा के क्या होते हैं आपके दो? एच कॉमा के आपका होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक या बीच के बिंदु के निर्देशांक। तो आपको जो दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच के या मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, या आपको बीच के बिंदु के निर्देशांक निकालना है, जिसको आप एच कॉमा के से दर्शाते हैं या टू नोट डिनोट करते हैं। देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में पहले वाला पॉइंट क्या है, आपका एक्स वन बराबर जीरो, वाई वन बराबर आपका जीरो। आगे आप देखिए एच टू बराबर आपका जीरो और बाई टू बराबर आपका 23 है। आगे आप देखिए h का और k का मान किस तरीके से आप निकालेंगे, ज़रा ध्यान दें। h बराबर आपका होता है x1 वन प्लस एक्स टू बटे दो, जब आप इसमें मान लगाएंगे सॉल्व करेंगे जीरो मिलेगा, ये आपका फार्मूला है। k बराबर y1 वन प्लस बाई टू बटे दो, ये आपका फार्मूला है, इसमें मान लगाएंगे सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, 23 बटे दो। अब ज़रा ध्यान दें, एच कॉमा के या कह सकते हैं जो आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं या बीच के बिंदु के निर्देशांक हैं, आपको क्या मिलेगा, 0.23/2। यही आपका सलूशन है, यही आपका आंसर है। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे, मिलता रहे। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।